Hi, good morning my dear students. I hope you are fine. This is Norat and today I am going to explain the revised syllabus of class 10th and basically it is related to CBSE board. आज मैं आप लोगों को जो CBSE board 10th का जो syllabus है वो मैं बताने जा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसा आप लोगों को पता है कि लगभग 30 to 35% लगभग जो सिलेबस है ना उसको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि COVID-19 के चलते हुए, क्योंकि आप लोगों का जो एक महीने मंथ का जो पूरा जुलाई सेशन है और इसके साथ साथ में मे भी हो सकता अगस्त जो आपका आ रहा है, या अभी कोई सर्टेन भी नहीं है कि कब तक क्या होने वाला है, तो इस वजह से आपकी प्रॉपर क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है स्टडी में. तो इस वजह से जो CBSE है आपका जो बोर्ड उसने क्या किया है, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है. ये सिलेबस उनके लिए भी है जो स्टेट बोर्ड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा. तो आप ऐसा मत इसको समझना कि ये हमारे काम का नहीं है, ये आप लोगों के भी काम का है. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो CBSE ने अपना नया सिलेबस मतलब इशू किया है, उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो पहले से थी, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ओमिट कर दी गई हैं, मतलब हटा दी गई हैं, वो आज हम यहाँ पर बेसिकली देखेंगे. तो जैसा कि आपको पता है कि जब पिछली बार आपका पेपर हो रहा था तो उसको 3 सेक्शन में उन्होंने डिवाइड किया था, ABC, लेकिन अब की बार क्या किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया कर दिया गया. मतलब पार्ट एक आपका ए है और एक पार्ट बी है. पार्ट ए में आपका पहला जो पोर्शन है वो याद रखना, पूरा पार्ट ए MCQ पर बेस्ड है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आएंगे. ये उन्होंने लिखा है लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है जब आपसे एरर पूछते हैं यहाँ पर तो उसमें जो होता है हो सकता है कि कई पार्ट्स में उसको डिवाइड करके फिर आपसे एरर पूछा जाए, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना, या हो सकता है फिलर आपसे करवा लें. वैसे यहाँ पे उन्होंने गैप फिलिंग को तो रिड्यूस ही कर दिया, हटा दिया है. तो अब एक काम करते हैं, इसको हम एक एक करके चेक करते हैं कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है. तो देखो, पहला रीडिंग सेक्शन है आपका. रीडिंग सेक्शन आपको पता है कि वो आपको क्या देंगे, पैसेज देंगे, मीन्स एक पैराग्राफ देंगे, और उस पैराग्राफ को आपको क्या करना, रीड करना. तो इसमें पहला पैराग्राफ जो दे रहे हैं आपको, डिस्कर्सिव पैसेज दे रहे हैं. डिस्कर्सिव पैसेज का मतलब होता है इसमें राइटर जो होता है ना वो अपना लॉजिक या अपना रीजनिंग लगा के कोई भी वो स्टेटमेंट लिखता है, और उस स्टेटमेंट को आपको रीड करना है, और कहीं ना कहीं जो राइटर है मतलब जो ऑथर है उसके आपको मतलब फीलिंग को समझना है, और उसके बाद वो उसमें क्या रीजनिंग लगाया है उसी के अनुसार आपको क्या करना, आंसर देना है. और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 12, लेकिन आपको अटैम्प्ट कितना करना है, 10 क्वेश्चंस ओनली करने हैं, और एवरी क्वेश्चंस शुड बी कंसिस्ट 1 मार्क. और हर क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ओनली 1 मार्क्स मिलेंगे. इसमें सिनोनिम्स भी पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स भी पूछ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. और आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. इसके बाद सेकेंड पोर्शन पे देख लो. सेकेंड पोर्शन इसमें दिया अ केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज. अ केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज का मतलब हो गया कि जैसे अभी करंट में ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज अगर ये हो रहा है, तो अगर सपोज करो इसके ऊपर पैसेज में कोई राइटर ने कोई चीज़ लिखा कि यहाँ पे जी मतलब ये मीटिंग हुई थी, मतलब COP 21 या COP 30 जो भी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में अर्थ के रिगार्डिंग क्या डिसीजन लिया गया, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग क्या डिसीजन लिया गया, कार्बन एमिशन को कितना रिड्यूस करना, उसमें कितना बिलियन इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक पैसेज के थ्रू क्या की जाती हैं, शो की जाती हैं. उसमें कुछ डाटा होते हैं, उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं. यहाँ पे आप नाम से समझ में आ रहा है कि उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं, फिर आप उसको क्या करते हो, रीड करते हो, और रीड करने के बाद आपको क्या करना देना होता है, क्वेश्चंस का आंसर देना होता है. समझ गए, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. इसको बोलते हैं केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज. ये लगभग वही यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ये भी इसमें लगभग 400 to 450 words के होगा ये पहला वाला पैसेज. सेकंड वाला आपका होगा 300 to 350 words होगा. इसमें भी सेम वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 12, बट यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली 10 questions एंड ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 mark. तो यहाँ 2 पैसेज से आपके कितने नंबर हो गए, यहाँ पे 20 मार्क्स ये आपके हो गए 2 पैसेज से. इसके बाद है लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स. लिटरेचर बुक जो आपका लगता है जिसमें फर्स्ट फ्लाइट है, और इसके बाद है फुटप्रिंट विदाउट फीट वाला जो आपका पोर्शन है, तो उसमें से कहीं ना कहीं क्या दिया जाएगा आपको, मतलब
एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ ड्रामा या एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ पोएट्री, मीन्स उसमें से कुछ चीज़ें आपको एक्सट्रैक्ट करके निकाल के दे दी जाएंगी और उसी के बिहाफ पे आपको क्या करना होगा, उनके आंसर लिखने होते हैं। मीन्स कोई जैसे उसमें से कोई एक पोर्शन निकाल दिया जाएगा कि इस पैसे इस मतलब इस ड्रामा से आप क्या समझ रहे हैं या इस ड्रामा का यहाँ पे क्या सेंस है, तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने लैंग्वेज में क्या करना है, लिखना है। सेम केस ऐसे पोएट्री में भी है कि मतलब जो पोएट है उसके फीलिंग को समझकर वो क्या कहना चाह रहा है उसको आपको क्या करना है, अपने लैंग्वेज में लिखना होता है। वही चीज़ क्या है आपका, मतलब एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम है और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री है, तो याद रखना, सॉरी ड्रामा है और पोएट्री है। प्रॉस, प्रॉस बेसिकली क्या होता है, पैसेज ही होता, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना। प्रॉस का मतलब क्या होता है, पैसेज ही होता, मतलब एक टाइप का पैसेज आपको लिखना होता है उसको देखकर समझकर। तो ये कितने आएंगे याद रखना, जो ड्रामा होगा या प्रॉस होगा वो आपके दो आएंगे, लेकिन उसमें से अटैम्प्ट आपको कितना करना, वन करना है। और इसके बाद जो पोएट्री होगी सेम इसमें भी वही केस होगा, इसमें भी कितने आएंगे, दो आएंगे, लेकिन अटैम्प्ट आपको कितना करना, एक। और इसमें से हर एक कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स, तो यहाँ से कितने हो गए, 5 ए और 5 ए, टोटल कितने हो गए, 10 मार्क्स। अभी तक हम लोग कितने पहुँच गए, 30। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आपका है ग्रामर। ग्रामर भी आपका एमसीक्यू पर ही बेस्ड है। एमसीक्यू मतलब वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है फिलर आपसे करवा लें कि चार ऑप्शन देंगे उसमें से एक फिलर पूछ लेंगे आपसे, या हो सकता है एरर दे दें कि मतलब एक सेंटेंस लिखा इसमें बताएंगे कौन सा सही है, या हो सकता है कोई एक सेंटेंस लिखा उसमें किसी पार्ट्स को अंडरलाइन करके और आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। सेम इसमें भी होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना, ओनली 10 करना है, और वही ईच क्वेश्चन शुड बी 1 मार्क्स, और यहाँ से कितना हो गया, 10 मार्क्स। तो अब देखना ये जो पार्ट वन है ना, ये पूरा कितना हो गया, 40 मार्क्स का हो गया, कितना, 40 मार्क्स का। अब इसमें देख लो ग्रामर में टॉपिक क्या क्या आ रहा है, एक तो टेंसेस आएगा, मॉडल्स आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, कनकॉर्ड। टेंसेस तो आपको पता है, मॉडल्स पता है, सब्जेक्ट के अनुसार जब हम वर्ब लगाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, कनकॉर्ड। ये मैं टॉपिक आपका कवर करवाऊंगा। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच आपका वही होता है जिसको आप नरेशन बोलते हो, इसमें क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं या फिर जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इनका मतलब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें हम इसमें लर्न करेंगे। तो ये सेक्शन है आपकी बात। अच्छा, ओमिट क्या कर दिया गया, पहले आपने देखा होगा रीअरेंजमेंट आता था, मींस एक छोटा सा पैसेज दिया गया उसको क्या कर दिया गया, रीअरेंज कर दिया गया, उसको आपको क्या करना था, प्रॉपर तरीके से अरेंज करना था, तो पहले वो इस टाइप का आता था, अब वो क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया है। गैप फिलिंग, गैप फिलिंग का मतलब हो गया एक कोई पैसेज दे दिया गया और पैसेज से कुछ मतलब टर्म्स को क्या कर दिया जाता, रिमूव, नाउन को रिमूव कर दिया जाता था या प्रोनाउन को रिमूव कर दिया जाता था या एडजेक्टिव को रिमूव कर दिया जाता था, तो अब वो भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और एरर, एरर का मतलब समझते हो, कोई एक सेंटेंस दे दिया गया और उसमें से आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें किस पार्ट में एरर है या इसकी जगह पे क्या आ सकता है, वो एरर में ये भी हटा दिया गया। ओमिशंस, ओमिशंस का मतलब होता है कि कहाँ पे किस वर्ड का यूज़ नहीं करना है, वही बेसिकली क्या होता है, ओमिशन ऑफ वर्ड होता है। जैसे आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा कि अपने जितने भी डेज होते हैं या ईयर होते हैं या फिर जैसे अपने खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं, डिसीजेज होती हैं, इसमें आपने पढ़ा होगा आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं, तो एक तरीके से वहाँ ओमिशन का ही काम कर रहा है। इसके बाद जो दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वॉइसेस, क्लॉजेस और प्रेपोजिशंस, इनको भी क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, मीन्स इनको भी हटा दिया गया है। तो याद रखना क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ये आपको पूरा पढ़ना है, और क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है ये पूरा, और ये वाला सेक्शन आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अब आते हैं इसके बाद बी पार्ट पे, क्यों, क्योंकि याद रखना जब तक आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी ना, तब तक आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे और आपके सब्जेक्ट पर कमांड भी नहीं होगा। अब देखो सब्जेक्ट पे कमांड होने वाली बात ये है, इन्होंने यहीं पे तो बवंडर कर दिया ये हटा के कोरोना वायरस के चक्कर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका ये लॉस है, यहाँ पर आप ये नहीं पढ़ रहे हो, ये नहीं पढ़ रहे हो, ये नहीं पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें हट रही, तो एक तरीके से लॉस ही है आपका, मतलब ग्रामर सेक्शन आपका उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं कवर करवा दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, पढ़ना हम पढ़ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम टाइम पे नहीं पढ़ेंगे, ये वाली चीज़ें पढ़ लेंगे बस। पार्ट बी वाला देख लो आप,
पार्ट बी जो है ना ये पूरा सब्जेक्टिव बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? आपके सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। अब सब्जेक्टिव बेस्ड में क्या है, इसमें राइटिंग हो सकता है, आपके बुक से इसमें क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। कौन से पार्ट में? पार्ट बी में आएंगी। अब देखो पार्ट बी में पहला सेक्शन क्या है, राइटिंग सेक्शन है। और राइटिंग सेक्शन में इसमें फर्स्ट है फॉर्मल लेटर, जिसको आप 100 टू 200 वर्ड्स में लिखना है। और इसमें भी सेम वही टू ऑप्शंस होंगे, वन आपको अटेम्प्ट करना है। तो फॉर्मल लेटर आपको पता ही है, जैसा ऑफिशियल लेटर होता है, जब आप किसी अपने से मतलब अपने प्रिंसिपल को या अपने किसी सुपीरियर को जब आप कोई लेटर लिखते हो तो कैसा लेटर होता है? फॉर्मल लेटर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर भी उसी को ही कहा जाता है। इनफॉर्मल लेटर होता है, जिसको हम पर्सनल लेटर बोलते हैं, वो अब की बार नहीं आ रहा इसमें, मतलब उन्होंने मेंशन नहीं किया तो आएगा भी नहीं, आपको पढ़ना भी नहीं है। जो आप पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आप जो लेटर लिखते हो, दिस इज वो आपका क्या होता है, इंप्रेशनल लेटर होता है, जिसको आप इनफॉर्मल लेटर बोलते हो। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, जो मर्जी है वो लिख मारो, इसलिए उसको इनफॉर्मल नाम दिया गया। लेकिन फॉर्मल में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, आप प्रॉपर कुछ वर्ड्स होते हैं उन्हीं को यूज कर पाओगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं यूज कर पाओगे। नेक्स्ट आता है राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। इसमें क्या है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें उसको आपको क्या करना है, लिखना है, अपनी उसमें रीजनिंग लगानी, अपना थिंकिंग लगाना है, अपने विचार को लगाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब एक पैराग्राफ लिखना है। और वो पैराग्राफ कितने का होना चाहिए, 100 to 200 words का होना चाहिए। ये ज़्यादा बड़ा तो मुझे नहीं दिख रहा, मतलब एक छोटा सा ही होता है, उसको आपको क्या करना है, राइट करना है। जैसे वो आपसे क्वेश्चन दे देंगे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19, तो मतलब COVID-19 का इम्पैक्ट क्या है, तो आपको पूरा सोचना है, समझना है कि GDP पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, सोशल सेक्टर में क्या दिक्कत आ रही है, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन में क्या दिक्कत आ रहा है, टेक्नोलॉजी कितना बूम हो रही है इसकी वजह से, सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, अगर इस टाइप से लिखने के लिए कुछ आ जाए। मैं बताऊंगा आपको हर एक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना आप लोग। इसके बारे में लिटरेचर पोर्शन, लिटरेचर पोर्शन में देखो, लिटरेचर ये वाला है और लिटरेचर ये वाला है, ये लिटरेचर यहाँ से यहाँ तक है और एक लिटरेचर ये है, तो ये टोटल है 30 marks का, ये है 10 marks का, तो 10 marks ये, 30 marks ये, 40 marks का आपका लिटरेचर टोटल आने वाला है। रिमेनिंग आपका ग्रामर पोर्शन से आएगा, इसमें से राइटिंग वाइटिंग पैराग्राफ वैराग्राफ ये सब कुछ क्या है उसमें मेंशन है। अब देख लो लिटरेचर में क्या है, पहला फूट फर्स्ट फ्लाइट है, उसके बाद फूट प्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें क्या होने वाला है, 3 questions यहाँ से आएंगे, सॉरी यहाँ दिया है 4 out of 6, मतलब 6 questions दिए जाएंगे, उसमें से क्या करना है आपको, केवल 4 questions अटेम्प्ट करना है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट फ्लाइट से 3 questions आएंगे और 3 questions आपके आएंगे फूट प्रिंट विदाउट फीट। तो देखो 3 यहाँ से आ गया, तो करना आपको कितना, 2 यहाँ से करना, ऐसे कितना हो गया, 4, मतलब 6 में से 4 आपको अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे वर्ड्स लिमिट भी इन्होंने दिया है 20 to 30 words का आपका होना चाहिए, इससे बड़ा आपको नहीं लिखना है, जितना इंस्ट्रक्शन दिया जाए उतना ही हमें काम करना होता है, उससे ज़्यादा नहीं करना होता। और 1 question कितने मार्क्स का होगा, 2 marks का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 4, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 8 marks। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम यहाँ पे अगर आते हैं 4th point पे, तो 4 out of 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, लेकिन इसमें वर्ड्स की जो लिमिट है ना ये इंक्रीज कर दी गई है, हियर 40 to 50 words आपको लिखना है, कितना 40 to 50 words लिखना। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, क्या प्रोसेस होगा इसमें कि टोटल 6 questions होंगे, 3 यहाँ से होंगे, ये फर्स्ट फ्लाइट से 3 होंगे और 3 ही आपके यहाँ से होंगे फूट प्रिंट्स विदाउट फीट से, तो 2 questions यहाँ से करना है और 2 ही questions आपको यहाँ से करना है, और उसके बाद टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 4 questions हो जाएंगे, सेम ऊपर वाला मेथड था, बस केवल वर्ड लिमिट इसमें इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं 5th number पे। 5th number अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये लॉन्ग आंसर्स हैं। कैसे हैं लॉन्ग आंसर्स? तो लॉन्ग आंसर्स में एक तो फर्स्ट फ्लाइट से 2 questions आएंगे और 2 ही questions आएंगे फूट प्रिंट्स विदाउट फीट से आएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट कितना करना, 1 ही करना है, इससे भी 1 करना और इससे भी 1 करना। यहाँ पे लिखा है 1 out of 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब 2 questions होंगे उसमें से अटैम्प्ट आपको ओनली 1 करना है, और 1 question कितने मार्क्स का होगा, 5 marks का होगा। सेम यहाँ पे भी है 1 out of 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, इसमें से भी आपको क्या करना, 2 questions होंगे, 1 ही अटैम्प्ट करना है। याद रखना
इसमें से एक दो क्वेश्चन जो आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे और दो ही क्वेश्चन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से अगर दो क्वेश्चन होगा तो यू हैव अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन, हियर ऑल्सो यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन। डोंट ट्राई टू राइट डाउन मोर देन टू क्वेश्चन और वट एवर इंस्ट्रक्शन इज गिवन यू हैव टू फॉलो इट। ओके, सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इसके बाद यहाँ पे ओमिटेड। ओमिटेड क्या चीज़ें हो गई हैं, ये चीज़ आप देख लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अब सिलेबस को, अब सिलेबस में हमें वो चीज़ें नहीं पढ़नी हैं जो ओमिट कर दी गई हैं, जिसको सीबीएसई ने या बोर्ड ने हटा ही दिया है। तो देखो जरा, ट्रीज फ्रॉग फॉर एन ए ग्रॉगरी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये आपके क्या है, पोएम है, दीज आर पोएम्स। तो इनको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और ये जो पोएम्स आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है ना उसमें मिलेंगे, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद है मिसबिल द ओटर, ये आपका एक स्टोरी है और ये किस में है, फर्स्ट फ्लाइट में है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से भी कुछ सब्जेक्ट मतलब कुछ टॉपिक्स को हटाया गया, जैसे इसमें पहला है द मिडनाइट विजिटर्स, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। टू क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, सॉरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और इसके बाद यह द बुक दैट सेव्ड अर्थ, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। मीन्स ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट फ्लाइट से नहीं पढ़नी है और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से नहीं पढ़ना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब एक चीज़ और आप लोग याद रखना, ये तो मैंने आपको बता दिया टोटल, आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अच्छे से अपने इंग्लिश की जो कॉपी है उसके फ्रंट पेज पर मतलब फर्स्ट पेज पे इसको आप राइट कर लेना, ताकि आपको पता रहे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब तक आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तब तक आपके नंबर और आपको पढ़ने में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ओके, अब दूसरी बात है, इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेस आता है, जैसे सीबीएसई कोई चेंजेस निकालती है, एचआरडी मिनिस्ट्री से कोई भी ऑर्डर आता है, तो आई विल इन्फॉर्म यू। आप बस एक काम करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टच में रहना, और अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट आए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम भी है और प्लस फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं हर एक टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगा। पहला मेरा जो टारगेट होगा वो ये वाला सेक्शन होगा, जैसे रीडिंग सेक्शन हुआ, ग्रामर वाला पोर्शन हुआ, राइटिंग सेक्शन हुआ, लिटरेचर तो मैं बाद में देखूंगा उसको, क्योंकि वो आप सेल्फ भी कर सकते हो। तो अब याद रखना, जो मैं आपको टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करूंगा ना क्लास टेंथ का, वो मैं करूंगा सेंटेंस से। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का ही सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर। जब आप ये पढ़ोगे ना नरेशन, तो यहाँ भी रोल सेंटेंस का है, मतलब आप तो ये बोल सकते हो हर जगह सेंटेंस का रोल है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं क्लास को यहीं पे फिनिश करता हूँ। कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अपना केयर करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट्स के आ रहे हैं उसको आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, माँ बाप का रिस्पेक्ट करना है। इसी के साथ मैं क्लास को यहीं पर फिनिश करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू।